Very good morning, dear modern champs. How are you all? Students, I hope you all are fine. Students, आज से हम अपनी हिंदी ग्रामर यानी कि दीक्षा, हिंदी व्याकरण दीक्षा की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो जिन बच्चों के पास ये बुक ना हो वो परचेस कर लें, और जिनके पास है वो आज से बुक कॉपी दोनों में वर्क स्टार्ट कर दें. तो आपका पहला चैप्टर है पाठ एक, भाषा और व्याकरण. ठीक है, भाषा और व्याकरण क्या होता है इस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में आज हम इसकी बुकवर्क भी करेंगे. तो बच्चों, भाषा वो होती है जिसे हम बोल करके या कह करके या इशारों में या लिखित रूप से अपनी बात को हम अगर किसी को समझा लेते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं. ठीक है, मीन्स हम ओवरऑल तरीके से अगर अपनी बात कह ले जाते हैं तो वो है हमारी भाषा. दूसरा होता है व्याकरण. भाषा के साथ साथ बोलने में जो शुद्धता की ज़रूरत होती है या लिखते समय पढ़ते समय जो नियम होते हैं उनको हम कहते हैं व्याकरण. ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि राम लिखता है या सीता लिखती है, तो लिखता और लिखती का अंतर कहाँ से आया आपको ये व्याकरण में बताया जाता है. तो ये हो गया आपका शुद्धता. अगर आपको देखनी है तो आप व्याकरण का यूज़ करते हैं, और अगर सिर्फ आपको अपनी बात कहनी होती है तो आप भाषा से कह सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका आज का वर्क है कि आप इसको रीड करेंगे, इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे. इस चैप्टर में 2 पेजेस हैं. फर्स्ट पेज ये रहा. जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो वीडियो से ही रीड कर सकते हैं. ये आपका फर्स्ट पेज है और दिस इज़ योर सेकेंड पेज ऑफ योर चैप्टर. तो आप इसको अपने बुक से रीड आउट करेंगे. अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की. तो आपकी पहली एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर्स, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है. ग्रामर की कॉपी बनाइएगा. ग्रामर की कॉपी में सबसे पहले आप डालेंगे चैप्टर का नेम और साथ ही साथ नंबर. तो यहाँ पे आपका चैप्टर नेम हो गया, नंबर हो गया. डेट वगैरह डालने के बाद में आप सबसे पहले लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. पहला आपका है भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे. सो हियर इज योर फर्स्ट पेज, भाषा किसे कहते हैं. तो ये रहा आपका आंसर. जिस माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं. ये आपका पहला आंसर हो गया. और इसी का दूसरा पार्ट ये रहा, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक. ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपका आंसर टू क्या है, आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन टू क्या है. मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है. तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा का भी आंसर आपको पेज नंबर 1 और 2 पे मिल जाएगा. मौखिक भाषा ये रही. मौखिक भाषा, इस माध्यम से हम बोल कर एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाते हैं. ये और लिखित भाषा, इस भाषा के माध्यम से हम लिख करके एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं. ये आंसर 2 आपका हो गया. ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आइए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विश्व में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए. विश्व में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के आपको नाम लिखने हैं. तो क्या आप इसको लिख सकते हैं. अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे इसका आंसर दिया हुआ है. ठीक है, पेज नंबर 2 पे आपको इसका आंसर दिया हुआ है. यहाँ पे आपको लिखना है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, स्पेन में स्पेनिश, जापान में जापानीज. इसी तरीके से आप कुछ भाषा के नेम अपने हिसाब से लिखेंगे. ठीक है, आपको 5 भाषा का नाम लिखना है. यहाँ सिर्फ 3 भाषा है. आपको हिंदी लिखनी है, हिंदी भी लिख सकते हैं, जैसे आपके भारत में हिंदी बोली जाती है, और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. तो आप इसको अपने मन से करेंगे. अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसे आपको बताऊँगी और करवाऊँगी भी. ठीक है, नेक्स्ट आपका है आंसर. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है. तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है. ये हो गया आपका आंसर 4. आंसर 3 अगर आप ना कर पाए तो बताइएगा, मैं खुद आपको बताऊंगी. लेकिन आंसर 4 आपको खुद से करना है. लिपि क्या है,
किन्हीं दो लिपियों के नाम बताइए। अब देखिए लिपि क्या होती है, लिपि एक नई चीज़ आ गई है ना, तो आइए देखते हैं लिपि क्या है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा। ये रहा आपका आंसर लिपि, भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, दो लिपि का नाम लिखना है तो पहली आप देवनागरी, दूसरी रोमन लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका आंसर 5। नेक्स्ट है आपका व्याकरण किसे कहते हैं, इसका आंसर भी व्याकरण किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन 6 है। व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा पेज नंबर 4 पे। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाते हैं। ये आपका हो गया आंसर 6। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है आपको, आपको ये सारे आंसर्स आपकी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आइए अब बात करते हैं इसके बुकवर्क की। तो ये रहा आपका बुकवर्क, आप चैप्टर को रीड आउट करेंगे और ये बुकवर्क खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया है, बट ये चैप्टर आप पहले ऑनेस्टली खुद से करेंगे, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब आप यहाँ से वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।